इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इस लेक्चर में हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करेंगे। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इज ए स्पेशली डिजाइन ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर एक स्पेशल डिजाइन का ट्रांसफार्मर है। इट इज यूज्ड इन कनेक्शन विद मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, करेंट, एनर्जी एंड पावर इन एसी सिस्टम। एसी सिस्टम में वोल्टेज, करेंट, एनर्जी एंड पावर को मेजर करने के लिए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। देयर आर मेनली टू रीजंस फॉर यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इन मेजरमेंट। मेजरमेंट में इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को यूज करने के पीछे दो मुख्य वजह है। पहला है टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के रेंज को एक्सटेंड करना। इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में काफ़ी हाई रेंज के वोल्टेज और करंट भी हो सकते हैं, और इन हाई रेंज के वोल्टेज और करंट को मेजर करने के लिए हमें उस रेंज का इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध नहीं होता है। वोल्टेज के रेंज आपको 11 kV से लेकर 765 kV तक के वोल्टेज रेंज होते हैं, और करंट का वैल्यू भी किलो एम्पियर तक हो सकता है। तो इतने हाई रेंज के वोल्टेज या करंट को मेजर करने के लिए इस रेंज का इंस्ट्रूमेंट हमें उपलब्ध नहीं होता है। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की मदद से हम लोग हाई वोल्टेज को इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की मदद से लो वोल्टेज में इसको कन्वर्ट करते हैं, और इंस्ट्रूमेंट को, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को इस लो वोल्टेज के साथ कनेक्ट करके लो वोल्टेज साइड का वोल्टेज या करंट को मेजर कर लिया जाता है, और फिर करस्पॉन्डिंग हाई रेंज साइड का वोल्टेज को या करंट को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का उपयोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के रेंज को एक्सटेंड करने के लिए किया जाता है। यह पहला रीजन है। दूसरा है टू आइसोलेट द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम हाई वोल्टेज लाइन। इतने हाई रेंज के वोल्टेज पे डायरेक्ट उसको मेजर करना ये भी सेफ नहीं है, इसलिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हमें हाई वोल्टेज लाइन से आइसोलेशन प्रोवाइड करता है, यानी सेपरेशन प्रोवाइड करता है। हाई वोल्टेज लाइन ये अलग साइड होते हैं, और हम लोग लो वोल्टेज साइड में मेजरमेंट करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये हमें हाई वोल्टेज लाइन से आइसोलेट करता है। तो ये दो मुख्य रीजन हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को मेजरमेंट में प्रयोग करने के लिए, दो मुख्य रीजन हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इज ऑफ टू टाइप्स। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला है करंट ट्रांसफार्मर और दूसरा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर को शॉर्ट में CT कहा जाता है, और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को शॉर्ट में PT कहा जाता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का दूसरा नाम वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी है, जिसको VT भी कहा जाता है। तो इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ करंट ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करेंगे। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। करंट ट्रांसफार्मर यानी कि CT। एक करंट ट्रांसफार्मर बेसिकली हैज टू बाइंडिंग्स कॉल्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी बाइंडिंग, फिजिकली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। यानी कि करंट ट्रांसफार्मर में दो बाइंडिंग होते हैं, एक को प्राइमरी बाइंडिंग कहा जाता है और दूसरे को सेकेंडरी बाइंडिंग कहा जाता है। एक्चुअली में करंट ट्रांसफार्मर जो है ये हाई रेंज के करंट को लो रेंज में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। हाई रेंज के करंट को लो रेंज में इस करंट ट्रांसफार्मर की मदद से लो रेंज में इसको कन्वर्ट करते हैं, और इस लो रेंज के साइड में इंस्ट्रूमेंट या आपका एमीटर को कनेक्ट किया जाता है, और लो रेंज साइड का करंट मेजर कर लिया जाता है, और फिर करस्पॉन्डिंग हाई रेंज के साइड का भी करंट हमें पता चल जाता है। यानी करंट ट्रांसफार्मर जो है ये हमें एक करंट को मेजर करने के लिए या करंट को स्टेप डाउन करने के लिए यूज किया जाता है। द प्राइमरी बाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लाइन कैरिंग हाई करंट। यानी कि जिस लाइन का करंट हमें मेजर करना है, हाई करंट को मेजर करना है, उस लाइन के सीरीज में करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी बाइंडिंग को कनेक्ट किया जाता है। यानी कि करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी बाइंडिंग जो हाई रेंज का करंट है उसको ये कैरी करते हैं। द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर
इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ फाइन वायर्स हैविंग अ स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि करंट ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो उसमें ज़्यादा प्राइमरी के तुलना में ज़्यादा टर्न्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स और क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल होता है, यानी स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, लेकिन करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के तुलना में ज़्यादा होते हैं। दिस वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द कॉइल ऑफ नॉर्मल रेंज एमिटर, यानी कि करंट ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको नॉर्मल रेंज के एमिटर से कनेक्ट किया जाता है। हाई रेंज हाई लाइन जो है, हाई रेंज का जो करंट है उस वो आपका करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी से कनेक्ट होता है, और उस हाई करंट के लाइन के सीरीज में करंट ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्ट किया जाता है, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यानी कि एमीटर को कनेक्ट किया जाता है। यह जो करंट ट्रांसफार्मर है ये हाई रेंज के करंट को सेकेंडरी में लो रेंज में कन्वर्ट कर देता है, और यह एमीटर जो है हमारा लो रेंज साइड का यानी सेकेंडरी साइड का करंट को मेजर करता है, और फिर हम लोग करस्पॉन्डिंग प्राइमरी साइड के करंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। यह फिगर आपका करंट ट्रांसफार्मर का फिगर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग है, करंट ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग है, और ये आपका करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग को हाई लाइन करंट के साथ सीरीज में कनेक्ट किया गया है। ये आपका हाई रेंज का लाइन है जिसके थ्रू कि हाई रेंज के करंट फ्लो हो रहे हैं, तो इस लाइन के साथ सीरीज में करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्टेड होती है, और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो उसके थ्रू मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यानी एमीटर को कनेक्ट किया जाता है। सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं, प्राइमरी की तुलना में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण कि सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट का वैल्यू कम हो जाता है। नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होने से सेकेंडरी साइड में वोल्टेज ज़्यादा होते हैं लेकिन करंट का वैल्यू कम हो जाता है, यानी कि जो सिटी है वो हम करंट को स्टेप डाउन करता है, यानी करंट का वैल्यू को कम कर देता है, और फिर एमीटर की मदद से हम सेकेंडरी साइड में फ्लो होने वाले करंट को मेजर कर लेते हैं, और फिर करस्पॉन्डिंग प्राइमरी साइड के करंट को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ए सिटी इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी, यानी कि सिटी के सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो प्राइमरी की तुलना में ज़्यादा होते हैं, प्राइमरी की तुलना में सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं। हेंस करंट ट्रांसफार्मर्स आर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी कि चूँकि सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी की तुलना में ज़्यादा होता है, इसलिए इस ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है, यानी कि करंट ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं। दैट इज इट स्टेप अप वोल्टेज फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, यानी कि वोल्टेज के लेवल को प्राइमरी की तुलना में सेकेंडरी में वोल्टेज का लेवल ज़्यादा होता है लेकिन करंट का वैल्यू उसी रेशियो में कम हो जाता है। दस करंट रिड्यूसेस फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, करंट का वैल्यू प्राइमरी की तुलना में सेकेंडरी में कम हो जाता है। अगर मान लिया जाए कि प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, प्राइमरी साइड जो करंट फ्लो हो रहे हैं वो I1 है, सेकेंडरी साइड जो करंट फ्लो हो रहे हैं वो I2 है, तो करंट ट्रांसफार्मर के लिए यह रिलेशन होता है I1/I2 इज इक्वल टू N2/N1, यानी कि प्राइमरी का करंट बाई सेकेंडरी का करंट इज इक्वल टू होता है सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स बटा प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स। दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं कि I1N1 इज इक्वल टू I2N2, I1N1 इज इक्वल टू I2N2 होता है, यानी कि I1/I2 इज इक्वल टू N2/N1 होता है। अब हम लोग इस पर बेस्ट एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ए 250:5 करंट ट्रांसफार्मर इज यूज्ड
एलोंग विथ एन एमीटर, यानी कि एक करंट ट्रांसफार्मर है जिसकी रेटिंग है 250 H/5। कहने का मतलब है कि अगर इस करंट ट्रांसफार्मर के थ्रू, अगर इस करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में 250 A करंट फ्लो हो रहा होगा तो इसकी सेकेंडरी में 5 A करंट फ्लो होंगे। यह करंट ट्रांसफार्मर की रेटिंग है, रेटिंग इसी टाइप से दी जाती है, यानी कि प्राइमरी में अगर 250 A करंट फ्लो होगा तो उसके रिस्पेक्ट में सेकेंडरी में 5 A करंट फ्लो होगा, यानी करंट ट्रांसफार्मर की रेटिंग है 250 H/5। इफ़ एमीटर रीडिंग इज 2.7 A, इस्टीमेट द लाइन करंट। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में जो एमीटर लगा हुआ है, यह एमीटर अगर 2.7 A रीड कर रहा है, एमीटर अगर 2.7 A रीड कर रहा है, इसमें रीडिंग 2.7 A आ रही है, तो हमें यह बताना है कि लाइन करंट कितना इसमें फ्लो कर रहा है। जबकि दिया हुआ है कि जब अगर इसमें 250 A फ्लो होता है तो जो सेकेंडरी में 5 A फ्लो होता है, लेकिन आपसे पूछा गया है कि अगर एमीटर 2.7 A रीड कर रहा है, यानी कि सेकेंडरी में अगर 2.7 A फ्लो हो रहा है, तो प्राइमरी में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, यानी कि लाइन करंट कितना है, जो ये लाइन है जिसके थ्रू प्राइमरी कनेक्टेड है तो उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, करंट का रेशियो दिया हुआ है, यानी कि प्राइमरी का करंट और सेकेंडरी के करंट का रेशियो दिया हुआ है, जिसको करंट की रेटिंग भी जिसको सीटी की रेटिंग भी कहते हैं। तो दिया हुआ है कि प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट का जो रेशियो है वो 250:5 है। कहने का मतलब है कि I1/I2 का वैल्यू दिया हुआ है 250/250/5। इसमें आपको ये भी कहा गया है, बताया गया है कि अगर I2 के जगह पे अगर 2.7 A है, यानी सेकेंडरी में 2.7 A फ्लो हो रहा हो, तो प्राइमरी में कितना करंट फ्लो होगा। तो I2 के जगह पे हम 2.7 A पुट करेंगे तो हमें इस फार्मूले से, इस रेशियो से या इस रिलेशन से हमें I1 का वैल्यू पता चलेगा, और I1 जो है ये आपका प्राइमरी में फ्लो होने वाला करंट है। तो इसको सॉल्व करने पे हमें पता चलेगा कि I1 = 135 A, यानी कहने का मतलब है कि अगर सेकेंडरी में 2.7 A फ्लो कर रहा है या एमीटर हमारा 2.7 A रीड कर रहा है, इसका मतलब है कि जो मेन लाइन है, जो प्राइमरी है, उसमें 135 A करंट फ्लो हो रहा है। तो यही हमें पता करना था कि लाइन करंट कितना है, यानी कि प्राइमरी में कितना करंट फ्लो हो रहा है। अब हम लोग जानते हैं व्हाई सेकेंडरी ऑफ सिटी शुड नॉट बी ओपन। करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को कभी भी ओपन नहीं छोड़ा जाता है, ऐसा क्यों? द सेकेंडरी ऑफ सिटी, यानी करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी शुड नॉट बी केप्ट ओपन इफ प्राइमरी इज इनर्जाइज्ड, यानी कि करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग अगर इनर्जाइज्ड है, यानी इसके थ्रू अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग को कभी भी ओपन नहीं छोड़ा जाता है, कभी भी ओपन नहीं छोड़ा जाता है। सेकेंडरी ऑफ सिटी मस्ट बी आइदर शॉर्ट सर्किटेड और कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए लो रेजिस्टेंस कॉइल सच एज एमीटर और करंट कॉइल ऑफ वाटमीटर। कहने का मतलब है कि अगर करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग इनर्जाइज्ड है, इसके थ्रू प्राइमरी वाइंडिंग के थ्रू अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको या तो शॉर्ट सर्किट करके रखा जाता है, या कोई लो वैल्यू के रेजिस्टेंस का कॉइल इसमें कनेक्ट किया जाता है, या वाटमीटर का जो करंट कॉइल है उसी को इसमें कनेक्ट किया जाता है, लेकिन कभी भी करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन नहीं छोड़ा जाता है। इफ द सेकेंडरी इज लेफ्ट ओपन देन द करंट थ्रू सेकेंडरी बिकम जीरो, यानी कि अगर करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन छोड़ दिया जाता है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, यानी कि करंट का वैल्यू जीरो होगा। हेंस द एम्पियर टर्न प्रोड्यूस्ड बाई सेकेंडरी विच जनरली अपोज प्राइमरी एम्पियर टर्न्स बिकम जीरो। करंट और नंबर ऑफ टर्न, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को एम्पियर टर्न कहा जाता है, या
MMF कहा जाता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स इसको कहा जाता है, करंट और नंबर ऑफ टर्न के मल्टीप्लिकेशन को। तो अगर करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन है तो उस केस में जो एम्पियर टर्न है वो आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि एम्पियर टर्न जो है वो I2 into N2 होगा। तो नंबर इसमें सेकेंडरी में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो एम्पियर टर्न भी आपका जीरो हो जाएगा, यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स जीरो हो जाएगा। और ये मैग्नेटिक मोटर फोर्स जो है यानी एम्पियर टर्न्स जो है वो प्राइमरी के MMF को यानी प्राइमरी के एम्पियर टर्न को ये जनरली अपोज किया करते हैं, ये अपोज करते हैं। लेकिन जब सेकेंडरी बाइंडिंग आपकी ओपन है तो इसमें कोई भी MMF डेवलप नहीं होगा, यानी MMF का वैल्यू जीरो है, यानी कि प्राइमरी को अपोज नहीं होगा, प्राइमरी MMF जो है वो अपोज नहीं होगा। एज देयर इज नो काउंटर EMF, अनअपोज्ड प्राइमरी MMF प्रोड्यूस हाई फ्लक्स इन द कोर। चूँकि प्राइमरी के थ्रू तो करंट फ्लो हो रहा है और ये हाई वैल्यू का करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन सेकेंडरी के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो जिसके कारण ये प्राइमरी के करंट के कारण हाई वैल्यू का फ्लक्स जो है ये कोर में प्रोड्यूस होता है, हाई वैल्यू का फ्लक्स कोर में प्रोड्यूस होता है। दिस प्रोड्यूस एक्सेसिव कोर लॉसेस हीटिंग ऑफ द कोर बियॉन्ड द लिमिट, जिसके कारण कि चूँकि प्राइमरी के थ्रू हाई करंट फ्लो हो रहा है तो हाई MMF उसमें प्रोड्यूस हो गया, और सेकेंडरी चूँकि ओपन है कोई उसको अपोज करने वाला नहीं है, जिसके कारण कि आपका कोर लॉस जो है ये एक्सेसिव कोर लॉस होता है, ट्रांसफार्मर में काफ़ी ज़्यादा कोर लॉस होता है, साथ ही साथ कोर की जो हीटिंग है ये इसके लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा कोर आपका हीट भी हो जाता है। सिमिलरली हैवी EMFs विल बी इंड्यूस्ड ऑन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड, और जिसके कारण कि आपका प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में हाई EMF इंड्यूस्ड हो जाता है, ज़्यादा EMF हाई EMF इंड्यूस्ड हो जाता है। दिस में डैमेज द इंसुलेशन ऑफ द बाइंडिंग एज वेल एज डेंजरस फॉर द ऑपरेटर, और ये हाई EMF जो है वो आपके बाइंडिंग के इंसुलेशन को डैमेज कर सकता है और या ऑपरेटर के लिए ये डेंजरस हो सकता है, इसलिए करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी बाइंडिंग को कभी भी ओपन नहीं छोड़ा जाता है। तो इस लेक्चर में हमने करंट ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस किया, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में यानी PT के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।